कैसे हैं आप सब। मैं राखी फ्रॉम eVidyarthi.in और आज के सेशन में मैं कुछ अलग तरह के वर्ड्स आपके लिए लेके आई हूँ वोकैब सेशन में। फाइन, इस पर्टिकुलर सेशन में आज आप कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे जो स्टार्ट होते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड से और वो है अप। देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके लिए इस सेशन में। अपवर्ड, अपलिफ्ट, अपकीप, अपपिटी, अपग्रेड, अपरूट, अपरोर। तो चलिए सबसे पहले वर्ड को समझते हैं एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। पहला वर्ड है अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर। इसको किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करें वो सुनिएगा। एजुकेशन इज द की टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। भाई, एजुकेशन नहीं होगी, अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर देयर वोंट बी एनी लेवल ऑफ अस। ठीक है, कोई लेवल नहीं होगा हमारा, लेकिन अगर हम एजुकेटेड हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। मतलब सोसाइटी में हमारा अलग ही लेवल होगा, लोग हमें अलग ही तरह से देखेंगे। यस, ऑफ कोर्स रिस्पेक्टेड वे से देखेंगे। सो एजुकेशन इज द की टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। फाइन, दूसरा वर्ड देखते हैं अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब है उठाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रोहित अपलिफ्टेड राखी ड्यूरिंग अ डांस परफॉर्मेंस। रोहित अपलिफ्टेड राखी ड्यूरिंग अ डांस परफॉर्मेंस। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, दिस विक्ट्री इज अ मैसिव अपलिफ्ट फॉर अस। दिस विक्ट्री इज एन मैसिव अपलिफ्ट फॉर अस। हम जीते हैं तभी तो हमारे लिए सोसाइटी में एक अलग लेवल हो गया, हम अलग तरह से उठ गए हैं। अगर हम नहीं जीतते तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम जीत गए हैं तो इट्स अ मैसिव अपलिफ्ट फॉर अस। हम सोसाइटी में अब उठ गए हैं। फाइन, अपकीप। अपकीप का मतलब है देखभाल करना। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट ऑन द अपकीप ऑफ द ऑफिस। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा ऑफिस की देखभाल पर ही लग जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अपपिटी। अपपिटी का मतलब क्या है? घमंडी होना। फॉर एग्जाम्पल, एन अपपिटी एमपी एंड हिज लेडी वाइफ। क्लियर, ये बात तो क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट वन, अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब है उन्नति होना। ठीक है, किसी चीज की उन्नति होना या किसी कोई उन्नति कर रहा है। फाइन, अपग्रेड होना। फॉर एग्जाम्पल, राखी वॉज अपग्रेडेड टू 12th स्टैंडर्ड। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल टू अपग्रेड अ सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट वन, अपरूट। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस मेकिंग में वो सुनिएगा। मेनी ट्रीज वर अपरूटेड बाय द स्टॉर्म। तूफान आया और काफी सारे पेड़ जड़ से उखड़ के गिर गए। फाइन, नेक्स्ट वन, अपरोर। अपरोर का मतलब होता है शोरगुल होना। ठीक है, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसको आप सुनिएगा। द अनाउंसमेंट कॉज्ड अपरोर इन द क्राउड। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई वैसे ही भीड़ में शोरगुल होने लग गया। फाइन, सो द अनाउंसमेंट कॉज्ड अपरोर इन द क्राउड। क्लियर, सो आई होप ये जितने भी वर्ड्स मैंने अब से लिए हैं आप सभी को क्लियर हो गए होंगे और डेली रूटीन में आप इनको यूज भी करेंगे। वेल, दिस इज मी राखी, सेइंग यू ऑल नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर।